नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा कंवर। स्वागत है एक बार फिर से आपका सिरमौर की खूबसूरत वादियों से। और अभी है शाम का समय, सनसेट हो गया है। और ये देखिए जी, मूली हमारी अभी मूली सलाद के लिए हो गई है तैयार, और सब्जी के लिए भी। पहले छोटी थी तो मैंने दिखाई थी, और ज़्यादातर लोग मूली के पत्ते फेंक देते हैं क्योंकि वो सलाद खाएंगे फटाफट काट के और पत्ते कर देते हैं साइड में। मैंने बहुत लोगों को देखा है, पर इसमें होते हैं ज़्यादा विटामिन, जो मूली खाते हैं ना उससे ज़्यादा होते हैं इसमें, पत्तों में बहुत विटामिन होते हैं। तो देखिए जी, देखते हैं हम भी मूली कितनी मोटी मोटी हुई है अगर निकली। बाप रे बाप, पर यहाँ पे हमारे यहाँ पे ज़्यादा ठीक है वैसे, यहाँ पे बहुत बड़ी मोटी नहीं होती है, ठीक हुई है ये तो। और इसके पत्ते देखो, मैंने पहले भुज्जी बनाने के लिए कितने पत्ते बस अंदर के बचे हुए, थोड़े कोमल कोमल, बाकी मैंने जो ये देखिए सारे मैंने भुज्जी बनाई है पहले इससे। और अभी पत्तों की और इसकी मिक्स बनाएंगे हम सब्जी। मैं सिम को खानी थी कि भुज्जी खानी है मुझे, हरी सब्जियां घर की बहुत अच्छी लगती है, जो ऑर्गेनिक सब्जियां होती है ना अपनी। और देखती हूँ मैं, ठीक है क्योंकि यहाँ पे बहुत मोटी नहीं होती है। इधर हमारे मायके में, मेरे मायके में वहाँ बहुत मतलब मोटी मोटी, और जबकि पानी भी वहाँ पे कम होता है, पर लाल मिट्टी है ना वहाँ पे, हर एक चीज़ की ग्रोथ अच्छी होती है। और यहाँ पे पानी खूब देते हैं फिर भी, मतलब इतनी अच्छी नहीं मैंने देखी मूली कभी से, नहीं देखी। और जी बड़ी बड़ी मोटी मोटी दिख रही है। ये वाली ये देखिए आप जी, हमारी एकदम फ्रेश फ्रेश मूली, और इसके सॉफ्ट सॉफ्ट पत्ते हैं ना जो, ये वाले ये मैं अलग तोड़ूंगी भुज्जी के लिए। और ये तो हार्ड होगी वैसे स्टेम, बॉयल करके तो ये भी हो जाएगी, पर मैं बॉयल नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट बनाती हूँ भुज्जी। आपके आईज पे कुछ लगा है? घास लगा होगा, बस हट गया अभी, मैं उसको बांध के आई ना सुरभि को। तो इसके पत्तों में होता है फाइबर बहुत ज्यादा दोस्तों। और जी हम तो चटनी भी बनाते हैं इसकी, मूली के पत्तों की। तो कभी मैं जब बनाऊंगी तो आपको जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे पुदीना होता है वैसे ज्यादातर, हम पुदीने की तो बनती है हमारे यहाँ पे मैक्सिमम, पुदीना हरा धनिया। सॉफ्ट सॉफ्ट तोड़ रही हूँ मैं, बिल्कुल सॉफ्ट। और ये साथ में लहसुन है ना, ये पीले इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इसमें गोबर भी नहीं डाला है हमने इस वाले खेत में ना, ये जो सब में लास्ट में लगाए हुए ये, इसलिए येलो दिख रहे हैं। और आजकल पाला पड़ रहा है ना कोहरा, और इसमें अभी खा हमने ना गोबर डाला है ना कुछ खाद तो डाली नहीं है खैर, तो ये सब में लास्ट में लगाए हुए इसलिए थोड़े फीके दिख रहे हैं। और इसके भी पत्ते मैं तोड़ूंगी भुज्जी के लिए, बहुत ही अच्छे होते हैं ताजे ताजे पत्ते, और आजकल बहुत ही अच्छे होते हैं इसके पत्ते लहसुन के। चटनी में भी मैं हमेशा डालती हूँ जब चटनी पीसती हूँ, क्योंकि आजकल है सर्दी, और सर्दी में खांसी वगैरह तो आजकल लगा रहता है किसी ना किसी को, तो ये सर्दी खांसी से बचाते हैं हमें, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं जो ये लहसुन की पत्तियाँ हैं ना, बहुत ही अच्छी होती है। तो जी ये देखिए, और खुशबू एकदम मस्त है, बहुत ही मस्त, और खाने में होगा और भी ज़्यादा टेस्टी जो हम भुज्जी बनाएंगे। और गाइज अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पे तो मेरा यूट्यूब चैनल द कंवर फैमिली को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल होती है उसको प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो भी नई वीडियो हम डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और मेरा फेसबुक पेज है सीमा कंवर, उसको फॉलो कीजिएगा, ऐसे ही आपको विलेज लाइफस्टाइल देखने को मिलेगा हिमाचल का, सिरमौर ज़िले का खासकर। तो जी ये देखिए मैंने काट ली है, इतनी बारीक काटी है देखो, बहुत बारीक, और इसमें अच्छे से मसाला मिक्स हो जाता है, मैं बॉयल नहीं करूँगी इसको। और जो पत्तियाँ हैं वो भी बारीक बारीक काट ली, अब इसमें डायरेक्ट खड़े तड़के का खड़ा तड़का लगेगा खड़े मसालों का, और हमारी भुज्जी फटाफट से बन जाएगी। और आप भी इस तरीके से
ट्राई करना। तो चलिए गाइस बना लेते हैं इसको हम।